वित्तीय लक्ष्यों को पाने, एसेट बनाने या कर्ज मुक्त जिंदगी जीने के लिए एक चीज बेहद अहम है, वो है अपने घर का मंथली बजट बनाना। ये बात अलग है कि बहुत लोग बजट बनाते हैं लेकिन वो उस बजट में उनका खर्चा नहीं हो पाता है, या ये यूं कहें तो उनका खर्च जो होता है वो बजट से हमेशा ज्यादा ही रहता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कारण होता है कि उनका खर्च जो है वो बजट से बाहर होता है और इसका क्या समाधान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो भी बजट से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैंने कम से कम 5 वीडियो जो है वो बजट पे डाल रखा है, जिसमें मैंने बताया है आपको कि किस किस इनकम के लोग कैसे अपने घर का बजट मैनेज करेंगे। इसके साथ ही मैंने एक जापानीज तरीका, काकीबो मेथड जिसे कहते हैं, उसका भी यूज बताया है कि आप उसे यूज करके कैसे अपने घर का बजट बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि बजट बनाने से कुछ नहीं होता है, हमारे खर्चे हमेशा अपने बजट से ज्यादा ही होते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, क्यों हमारा खर्च ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, एक चीज समझ जाइए कि बजट कोई जादुई छड़ी नहीं होता है कि अगर हमने बजट बना लिया तो हमारे खर्चे भी कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम एक एक पॉइंट का यहाँ डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों। और एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है बजट वास्तविक न होना। दोस्तों, अभी हमने ये बात किया कि बजट कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे आपके रुपये पैसे की समस्या एक पल में दूर हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका ये आदत है कि आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि बजट बनाने से आप बहुत ज्यादा एक बड़ा रकम जमा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा अपने आदत को सुधारने में। इसके अलावा, अगर आपका इनकम कम है तो ऐसे में बजट बना के आप बचत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो खर्चे आपकी जरूरतें हैं, चाहत नहीं। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप रियल में चाहते हैं कि हम बजट बना के चले, तो सबसे पहले आप कुछ महीने तक अपने खर्चों का आकलन करें। आप अपने खर्चों को लिखें और उसके बाद ये समझने की कोशिश करें कि आप किन खर्चों को काट सकते हैं और उन खर्चों को ना करने पे भी आपका घर जो है वो कैसे चल सकता है। दोस्तों, अपने खर्चों पे आपको अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। जब आप एक दो महीने तक अपना आकलन कर लेंगे, नजर रख लेंगे, तब आप वास्तविक बजट बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि खर्च पर अंकुश ना होना। दोस्तों, अनाप शनाप जो खर्च करते हैं उनका अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं होता है, और ऐसे में अगर वो बजट बना के चल रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने बजट बना लिया है, बस अब हमारा काम क्लियर हो चुका है और अब हमारे पैसे बचेंगे ही। तो नहीं, आपकी तो आदत बन चुकी है कि आप हमेशा फिजूल खर्च कर रहे हैं, तो आप ऐसे में अपने बजट के अंदर कैसे रह सकते हैं? ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप ऑटोमेट कर लें अपने बचत को। कहने का मतलब यह है कि आपकी इनकम जितनी भी आती है, आप उसका कुछ हिस्सा अपने दूसरे सेविंग अकाउंट में अपने आप जो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल करा लें। इससे क्या होगा कि आपका पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाएगा और आपके पास कुछ ही पैसे रहेंगे, उसी में आपको अपना खर्च करना है। इसके अलावा, आपको खर्च करने की आदत से अगर मुक्ति पाना है तो सबसे पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड से मुक्ति कर लें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि लक्ष्यों का ना होना। दोस्तों, अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें कितना बचत करना है, तो हम कभी भी बचत नहीं कर सकते हैं। और बजट बनाने का मेन मकसद ही ये होता है कि हमें कैसे अपनी बचत करनी है। तो सबसे पहले इसमें आप बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट या शादी या घर खरीदना,
किसी भी एक प्लान को अपने लिए रख सकते हैं और आप उसी के लिए बचत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका डेडिकेटेड कोई वर्क होगा और आप उसके लिए सेविंग करने लगेंगे तो आप अपने बजट में जरूर रहिएगा। हम बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास एक ही दिन में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बेशक बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक ही बार में तो वो पैसे नहीं पनप जाएंगे। उसके लिए हमें छोटी छोटी बचत करके ही हम एक बड़ा निवेश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हर महीने अगर आप छोटी सेविंग करते हैं तो उसी से स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि नजर रखने में गड़बड़ी। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हम बहुत चीज अपने दिमाग में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो खर्चा किया है चलो हम उसे लिख लेंगे, लेकिन ये जो हम दिमाग में रखते हैं ना, ये थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए, और बहुत लोग ऐसा होता है जो अपने आप को धोखा देते हैं कि हमने बजट बना लिया है तो हम बस उसी बजट में जी रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि आपने बजट तो बना लिया है, आपने एक रिटन फॉर्मेट तो तैयार कर लिया है, क्या वाकई आप उस बजट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें कभी भी ये अंदाजा ही नहीं हो पाता है कि उनके घर में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे खर्च हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से वो कुछ भी सोच लेते हैं, कोई भी लक्ष्य रख लेते हैं कि हाँ हाँ हम इतने पैसे बचा लेंगे। लेकिन पहले अपना आकलन तो सही कीजिए, सही ढंग से नजर तो रखिए कि आपने अपना बजट कैसा बनाया है। बात आती है इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसके लिए अगर आप चाहें तो आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक्सेल सीट का यूज कर सकते हैं। आप अपने नोटबुक में अपने रोज के खर्चे लिखिए। आप एक कोई भी दिन या रात का टाइम अपने लिए निर्धारित कर दीजिए कि हमने आज क्या क्या खर्च किया है, उसे हम एक जगह लिखेंगे। ये लिखना जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से आप अपने बजट पे नजर रख सकते हैं। बहुत अधिक सख्त होना। दोस्तों, अगर आप अपने बजट पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, यहां मैंने बार बार कहा है कि आपको अनुशासित होना है, स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, और आप हर बात में अपनी कैंची चलाते रहते हैं, तो आपको अपने परिवार वालों का विरोध भी सुनना होगा, और ऐसे में आपकी बजट की बहुत जल्दी हवा निकल जाएगी। इसलिए थोड़ा अपना रवैया नरम भी रखिए। अब बात आती है कि इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए कभी कभार खर्च भी कर दिया कीजिए और कभी कभार परिवार के साथ भी वक्त निकाला कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर, सख्त होकर अपना काम करेंगे तो परिवार वाले विरोध करने लगेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कभी कभार मंथ में बाहर खाने में भी कोई परहेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि बजट का फ्लेक्सिबल होना। दोस्तों, बजट जो होता है वो एक जो जड़ाऊ चीज नहीं होती है, उसमें क्या है कि स्थितियां बदलती रहती हैं और उसके साथ हमारा बजट भी बदलना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपके लक्ष्य जो है वो भी चेंज हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आने लगता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बना लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको खर्चे ज्यादा कर लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी शादी होती है या आपके बच्चे होते हैं या आपका किसी दूसरे शहर में तबादला होता है, ये सब चीजें भी आपके बजट में शामिल होनी चाहिए। इसलिए आपको अपने बजट को कभी कभी चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसमें भी आप लचीलापन जरूर रखें। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जब आपका इनकम बढ़े तो आपको अपना निवेश बढ़ा देना चाहिए। अगर आपका इनकम घटे तो आप जो गैर जरूरी खर्चे हैं उसे कम कर दीजिए। अगर आपके बच्चे होते हैं तो आप उनके लिए योजनाएं बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों की अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई के लिए अगर कोई आपको योजना बनाना है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी साथ के साथ करते रहें, ये आपके बजट में जरूर होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे आता है कि परिवार का एक मत होना। दोस्तों, आप बजट बना के चल रहे हैं और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके जीवन साथी या फिर आपके बच्चे आपके बजट के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चला सकते हैं। आप छोटे छोटे बचत कर रहे हैं और आपका जीवन साथी एक ही बार में जाके कोई बड़ा खर्च कर देता है या आपके बच्चे आए दिन पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका बजट ज्यादा दिन तक टिक
नहीं पाएगा। अभी हमने बात ही की कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए यही एक सॉल्यूशन है कि पूरे परिवार की मीटिंग करें और एक साथ बैठे और अपनी प्लानिंग के बारे में विचार विमर्श करें कि हमने परिवार के लिए, हमने इस चीज के लिए ये सोचा है। अगर आपके जीवन साथी, आपके बच्चे उस चीज को अग्री करते हैं तो आपका बजट बखूबी चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साल में बड़े खर्चों को भूल जाना। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम बजट बना के तो चलते हैं, लेकिन साल में अगर कोई बड़ा खर्च होता है तो उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में कुछ मरम्मत करवाना हो या बड़े कुछ अप्लायंसेस खरीदने हैं, आपको कुछ ऐसा बड़ा लेकर आना है, तो आप अगर उस खर्चे को भूल जाते हैं तो बजट तो बिगड़ेगा ही। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको जब आपका साल स्टार्ट होता है उसी वक्त आपको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए, आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि इस साल मेजर जो एक्सपेंस है वो ये है हमारे परिवार के और ये हो सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने जो ऊपर के पॉइंट में बात किया था कि हमारा बजट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम किसी भी चीज़ को उस बजट में शामिल कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम महीने में छोटे छोटे खर्चों का तो मतलब नाप तौल रखते हैं, लेकिन अगर बड़े खर्च करने होते हैं तो उसे हम उसमें कैलकुलेट करते ही नहीं है, इसलिए हमें पहले से प्लानिंग कर लेनी है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, इमरजेंसी फंड न बनाना। दोस्तों बजट में अगर हम कोई भी मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती है और हम इमरजेंसी फंड को उसमें शामिल नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। मान लीजिए घर में कुछ मरम्मत करनी हो या आपकी सैलरी कट जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं अपना पहले से इमरजेंसी फंड बना के चलते हैं तो बजट का पटरी से उतरना तो पक्का हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको अपने घर के 3 महीने या 6 महीने का खर्च अलग कर लेना चाहिए और इसके साथ ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। आप अपने हेल्थ के प्रति इंश्योरेंस जरूर कराएं क्योंकि ये सब इमरजेंसी फंड में ही आता है, तो दोस्तों ये सब करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया कि कैसे हम एक बढ़िया बजट तैयार करते हैं अपने घर का और किन किन पॉइंट का हमें ध्यान देना चाहिए और उसके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको 1x1 बताया। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।